Hey guys, it's me Piyush and you watching Fashion Fab. अब आप लोग कहोगे हमारी चंडी YouTube चैनल पे ये Fashion Fab कहाँ से आ गया, मैं कौन हूँ, मेरे पापा कहाँ इस चैनल पे से, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वन बाय वन करके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। तो मैं ज्यादा डीपली इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, अपना सिंपल सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि यार मेरा नाम पीयूष है एंड आई एम अ फैशन इन्फ्लुएंसर। मेरा एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था 2-3 महीने पहले, जिसपे 70K के आसपास सब्सक्राइबर्स थे, मतलब 70K मतलब समझ लो 70,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे, आसपास क्या मतलब प्लस ही सब्सक्राइबर्स थे। और मेरी जो चैनल है उस पर वीडियोज थी, उस पर व्यूज भी काफी अच्छे खासे आते थे, लेकिन एक दिन यूट्यूब ने वो जो चैनल है ना वो मेरा डिलीट कर दिया। तो यार मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मतलब यार मैंने इतनी एफर्ट डाल के, उतनी मेहनत करके उस चैनल को आगे बढ़ाया था, 70K तक लेके गया था, लेकिन यार अचानक से वो जो चैनल है वो डिलीट हो गया। तो यार मतलब दुख जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इंसान को कई बार। तो वही हाल मेरा भी हुआ था कि यार मतलब मैंने अर्निंग का कुछ इतना नहीं था कि यार मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा था उससे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यार हाँ जितना एफर्ट मैंने, जितना मेहनत डाली थी उस चैनल पर डाल के, वो जो चैनल जो है वो डिलीट हो जाता है, तो यार बहुत ज़्यादा दुख होता है। पता नहीं सब YouTube भी क्या कर रहा है यार, मेरा चैनल डिलीट कर दिया, और भी कई सारे डांसिंग चैनल्स थे उसको भी डिलीट किया है, टेक चैनल्स थे उसको भी डिलीट किया है। तो मतलब यार बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो जब मैंने सर्च किया कि यार जो मेरा चैनल है वो एक्चुअली डिलीट कैसे हुआ, तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मैंने कुछ ज़्यादा क्वालिटी वीडियो बना रहा था, कि मतलब क्वालिटी तो मेरे वीडियो में रहती थी पहले से, लेकिन उसमें ना मैंने कुछ क्वालिटी के चक्कर में कुछ ऐसा म्यूजिक डाल दिया ना, जिसके कारण यार वो जो मेरा चैनल है ना वो डिलीट हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो मतलब यार बहुत ज़्यादा अफसोस टाइप का हुआ मुझे कि यार मतलब मैंने इतना मेहनत डाली, इतना एफर्ट डाल के भी वो जो चैनल है वो प्रॉपर तरीके से मतलब डिलीट हो गया। तो कुछ नहीं, मतलब मैं डिप्रेशन में तो रहा ही था, मतलब 1-2 दिन फिर मैं सोचा कि यार डिप्रेशन में रह के क्या खाली बैठने से, तो मतलब अच्छा है कि हम एक और चैनल बनाए, एक और चैनल मतलब स्टार्ट करें, क्योंकि यार जब जिसको आदत पड़ जाती है रेगुलर वीडियो बनाने की, अब उसको ना खाली बैठा नहीं जाता। तो मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम था फैशन फैब, उसको स्टार्ट किया, फिर मैंने उस पर वीडियोज डालना स्टार्ट की, लेकिन यूट्यूब ने फिर उसे भी डिलीट कर दिया, क्योंकि यार यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है ना उसके हिसाब से आपका जो चैनल डिलीट हुआ है आप 3 महीने के अंदर अंदर दूसरा चैनल उसी डिवाइस में बना के नहीं चला सकते। तो मुझे इसके बारे में एक्चुअली नहीं था, तो मैंने उसी में लॉगिन कर दिया, दूसरा चैनल भी मतलब क्रिएट कर दिया, और उसमें मैं वीडियोस बनाने लग गया, और यूट्यूब ने कल परसों एक्चुअली उसे भी डिलीट कर दिया यार। तो फिर वही हाल हुआ कुछ मेरे संग भी, मैं गया पापा को बताया, मतलब पापा को पहले से पता था, लेकिन जब मैंने पापा को बताया कि पापा फिर मैं क्या करूं, मेरा जो चैनल है वो तो डिलीट हो गया, पापा ने पास में बुलाया, बैठाया, उसके बाद समझाया कि देख चैनल तेरा जो चैनल है वो तो डिलीट हो चुका है, समझ रहे हम, लेकिन अब जो तू शुरू से स्टार्ट करेगा नए चैनल से तो तुझे बढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो एक काम कर, तू मेरा जो हमारी जर्नी यूट्यूब चैनल है तू ये ले ले, इस पर काम कर, तू अच्छे से ग्रोथ भी हो जाएगा और तुझे जीरो से भी स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, क्या है, मैंने कहा पापा आप ब्लॉग जो डाल रहे उसका क्या होगा। पापा कह रहे हैं कि देख यार मेरे जो 2 चैनल है, एक साइंटेक विजन और एक फैमिली हेल्थ केयर, उससे तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि यार उस पर इतना काम करना पड़ता है कि बाकी इस चैनल पर पापा को टाइम ही नहीं मिलता ध्यान देने का, और प्लस ऊपर से लॉकडाउन वगैरह इतना लग रहा है, कोरोना इतना है कि पापा के घूमने भी नहीं जा सकते, ट्रैवल करने भी नहीं जा सकते। तो इसी वजह से पापा ने कहा कि ये जो चैनल है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, अगर तू चलाना चाहता है इस चैनल को तो ले ट्राई कर, चला सकता है तू। मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो फिर पापा ने ये जो चैनल है ये मुझे दे दिया, और तब से मैं इसी चैनल पर अब से जो है वीडियोज डालने वाला हूँ। तब आप लोग कहोगे कि पापा इस चैनल पर नहीं आएंगे क्या तुम्हारे, मैं आप लोगों को बता दूँ कि यार पापा आएंगे, कभी कभार आएंगे, तो मैक्सिमम जो है इस चैनल पर मैं ही आप लोगों को एक्टिव दिखूंगा। तो अगर आप लोग कहोगे यार ब्लॉग वगैरह जो है वो सब बाकी कहाँ डालेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे ना तो वहाँ पर दूसरे चैनल को मैंने फ्यूचर किया हुआ है, जो मैं और मेरे भैया मिलकर चलाते हैं, लेकिन हाँ अगर मतलब हमारी जो पूरी फैमिली है वो सब आपको उस चैनल पर मिलने वाली है। तो अगर आप जाके उस चैनल पर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप लोग उस पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो एक्चुअली पापा ने कहा, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं इस चैनल पे आपसे अपडेट रहने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली ये जो चैनल है ना, अब इसको हमारी जर्नी नाम हटा के फैशन फैब चैनल रखेंगे, तो अब आपको नाम पता चल गया होगा, नाम से कॉन्टेंट का तो पता चल गया होगा क्या होगा कि अब से मैं इस चैनल पर कौन सा कॉन्टेंट डालने वाला हूँ। बेसिकली इस चैनल पर व्लॉग्स नहीं आएंगे, अब से फैशन की वीडियोज आएंगी। तो यार एक्चुअली आप लोग उदास मत होना कि यार अब से पापा नहीं दिखेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब अगर आपको देखना हो पापा को तो आप जो हमारा दूसरा चैनल है आप उस पर जाके भी देख सकते हो, नहीं तो पहले ही पापा वीडियोस पड़ी हुई है, नहीं तो पापा और तो चैनल पे अपडेट्स रहते ही रहते हैं, आप उधर पापा को देख सकते हो। लेकिन यार ये जो चैनल है ना इसको मैं हैंडल करूंगा अपने हिसाब से, और इस पे मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा कई सारी रेमेडीज की वीडियोस, फैशन से रिलेटेड, क्लोथिंग से रिलेटेड, एक्सेसरी से रिलेटेड, और भी कई सारी टिप्स से रिलेटेड आप लोगों को इस चैनल पे वीडियोस जो है आपसे मिलने वाली है। तो यार एक्चुअली आप लोगों में से कुछ लोग होंगे मुझे कमेंट में बहुत ज्यादा गालियां देंगे कि यार तू कितना बकवास कर रहा है, तो यार आप लोग प्लीज उल्टे सीधे कमेंट मत करना, लेकिन हाँ यार अगर आप लोग मुझे दिल से सपोर्ट करोगे ना तो यार मैं भी आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट्स देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यार एक्चुअली जब मैं इस चैनल पे आया ही हूँ, मेरी इतनी नई फैमिली मेंबर्स आप लोग जुड़ रहे हो, बनने वाले हो, तो प्लीज यार आप लोग भी मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि यार मुझे पता है शुरू में लोगों को गालियां तो मिलती है, हेट मिलता है, लेकिन यार प्लीज आप लोग जितना सपोर्ट कर सकोगे यार उतना सपोर्ट करना, क्योंकि यार एक चैनल जो है मेरा वो वैसे डिलीट हो चुका है जिसपे मतलब मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला था। अब आप लोग भी उल्टा सीधा बोलोगे तो मतलब यार समझ सकते हो कितना दुख होगा।
सो यार प्लीज़ अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना यार। बस इस वीडियो में इतना ही बताना था, और आगे जो वीडियोज है वो आप लोगों को मिलने ही वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा फैशन से रिलेटेड, रेमेडीज से रिलेटेड, प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, मतलब कई सारे वीडियोज मैं आप लोगों को दूंगा। तो बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ आप, मतलब इस वीडियो में कुछ अच्छा लगने लायक तो था ही नहीं, बेसिकली मैंने आपको थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।